वेलकम टू माय चैनल फूडशिप। आज की रेसिपी है चीज़ी मशरूम बॉल्स। ये अंदर से बहुत ही चीज़ी है, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बनाते हैं इसे। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 10 से 15 मशरूम्स। इसे धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। उसके बाद इसके बीच का जो डंठल है उसे निकाल देंगे। अब इसके स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एकदम बारीक कटा हुआ प्याज, 3 से 4 चम्मच स्वीट कॉर्न, 3 से 4 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 3 से 4 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 उबला हुआ आलू, 1/2 कप चीज़ डाल दें, ये आप कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डाल दें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह बाइंड करने के लिए 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और अच्छा सा डो तैयार कर लें। अब इसे मशरूम्स में भरेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाएं और इसे मशरूम्स में भर लें। थोड़ा सा ऊपर भी रहे तो कोई बात नहीं, बाकी के मशरूम्स भी इसी तरीके से भर लें। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च। अब इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक बैटर तैयार कर लें। इसके ऊपर की कोटिंग के लिए मैंने लिया है कॉर्नफ्लेक्स। इसका चूरा कर लिया है मैंने। आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें मशरूम बॉल्स को इस तरीके से डालेंगे। पहले मैदे के घोल में डाल दें और उसके बाद इसे कॉर्नफ्लेक्स में इस तरीके से कोट कर लें। देखिए इस तरीके से सारे मशरूम्स को हम कर लेंगे। कोटिंग करने के लिए आप ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये जो कॉर्नफ्लेक्स में हम कोट करते हैं इससे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है, धीमी आंच पर इसे फ्राई ना करें। गैस का फ्लेम हाई पर रखें और इसे 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई हो जाने तक फ्राई कर लें। बीच बीच में इसे चलाते रहें। देखिए अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद इसे बाहर निकाल लें और इसी तरीके से सारे मशरूम बॉल्स फ्राई कर लेंगे। इसे किसी पेपर नैपकिन पर बाहर निकाल लें और मनपसंद चटनी के साथ इसे गरम गरम चाय के साथ सर्व करें। ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।